अन्नदाता पहले ही मौसम की मार झेल चुके हैं और अब राइस मिलर की मनमानी के चलते किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइस मिलर उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से खरीद रहे हैं, इसी के विरोध में किसानों ने धरना दिया है। किसान नेता अमरप्रीत ने बताया कि राइस मिलर उत्तराखंड का धान नहीं खरीद रहे हैं और उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से पोर्टल में एडजस्ट किया जा रहा है। तो किसानों का आरोप है कि कुछ राइस मिलर धान में अधिक नमी बताकर किसानों को बट्टा लगा रहे हैं और समय पर किसानों को फसल का दाम भी नहीं मिल रहे हैं। और किसानों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो पतरामपुर जसपुर लिंक रोड को जाम किया जाएगा। किसानों ने सभी अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं विपणन अधिकारी विष्णु प्रसाद त्रिवेदी का कहना है कि एक दो राइस मिलरों की शिकायत सामने आई है। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात कर जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। अधिकारी ने कहा कि किसानों की फसल लगातार खरीदी जा रही है। मिलरों की गुंडागर्दी जो आए दिन बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे हैं और यूपी का धान नाजायज तरीके से उत्तराखंड के पोर्टल में लोग अर्जस्ट करवा रहे हैं, जिसके विरोध में हमने आज ये अनिश्चित काल धरना लगाया है। पहले तो बरसात की वजह से लेट हुई है और फिर एक सरकार ने सिस्टम बना रखा उत्तराखंड सरकार ने कि एक तो क्रय केंद्र लगे हुए हैं यानी उनके द्वारा धान खरीद हो रहा है, एक कच्चे आर्ट का जो मिलर्स को कच्चे आर्ट का 3 महीने के लिए लाइसेंस देती है, जिन्होंने पंडे 8 मिलर्स ने जिन्होंने लाइसेंस लिया 500 क्विंटल खरीदारी करनी रहती है किसान से। अध्यक्षता में जो भी हमारे फैसले हुए थे उस बात पर सर मिलर्स मुकर गए हैं और सीधे तौर पर मैं इल्जाम लगाऊंगा कि ये जो मंडी बोर्ड है और मंडी का जो चेयरमैन है और सचिव है इनकी मिली भगत से ये सारे 2 नंबर काम हो रहा है। जो यूपी से धान आ रहा है मैं गारंटी से कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ इनकी मिली भगत है और हो सकता है कोई इनके अंदर लेन देन का भी काम ना हुआ हो। जो मैटर है धान तुलवाने के लिए है इसमें है क्या कि अधिकांश मिल वालों का टारगेट पूरा हो चुका है जिस वजह से अभी ट्रॉलियां नहीं जा पाई है, इसकी अभी व्यवस्था कर रहे हैं जिन लोगों का टारगेट बचा उनके यहाँ ट्रॉलियाँ भेज दी जाएगी और उनका टारगेट बढ़ाने की वो भेज दी।